जिस तरीके से यहाँ पे जो माहौल बनाया जम्मू के लोगों ने कि सरकार को मजबूर होना पड़ा पहली बार एंटी नेशनल ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, वो बधाई के पात्र हैं। जम्मू के चाहे जानीपुर हो या और एरियाज हो जहां पे जब एंटी नेशनल लोगों ने नारेबाजी की, पत्थरबाजी की, तो जिस तरीके से जवाब जम्मू के लोगों ने किया, उस चीज के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि ये जो एंटी नेशनल रैंट्स और एंटी नेशनलिज्म के जो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स और टेररिज्म के और सेसेशनिज्म के जो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स जम्मू में भी अब घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ये मुंह तोड़ जवाब मिला है, तो बहुत बधाई के पात्र हैं जम्मू के लोग। दूसरी चीज मैं एकजुट जम्मू की तरफ से ये कहना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि पाकिस्तान के और सेसेशनिज्म के उन पे आपको इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी। आप जम्मू के लोगों से कुछ सीखिए। जम्मू के लोगों ने पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक्स करके इन लोगों को डराया है या इन लोगों को अपने अपने बिलों में छुपने के लिए मजबूर किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यही सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को खत्म करने के लिए इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी चाहिए। तीसरी बात, जो पिछले दिन ही उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद इमीडिएटली, ये भी एक कारण है कि हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल करना पड़ा, क्योंकि कश्मीर बेस्ड कम्युनल लीडरशिप सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ के जम्मू के खिलाफ और देश के खिलाफ एक गलत नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ये जम्मू के लोगों को और देश के लोगों को सेक्युलरिज्म का पार्ट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती उस समय कहां थे जिस समय कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर वैली से उनकी हत्या करके, बलात्कार करके उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उस समय महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इनकी मुफ्ती खानदान, जितने भी लोन्स थे, अब्दुल्लास थे, सब चुप रहे, तब इनकी आवाज नहीं निकली। जिस समय एनआईटी के छात्रों पे, जो राष्ट्रवादी छात्र थे, केवल उनपे मार कुटाई उनकी इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लगाए, उस समय महबूबा मुफ्ती और उनकी जो इल्क थी, इंक्लूडिंग उमर अब्दुल्ला, वो चुप थे, उन्हें ये कम्युनलिज्म नहीं दिखाई देती। जिस समय 200 टेंटों को आग लगा दी गई श्री अमरनाथ जी श्राइन के दौरान, वहां पे यात्रा के दौरान 200 टेंट फूंक दिए गए, उस समय ये मूक दर्शक बन के बैठे रहे। जिस समय इनके कश्मीरी छात्र, जिनको लेके आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जब ये इंडियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेके और इंक्लूडिंग लॉजिंग एंड बोर्डिंग फ्री की स्कॉलरशिप लेके इंडिया के एजुकेशनल और प्रोफेशनल कॉलेजेस में एंटी नेशनल और हिंदुस्तान तेरी बर्बादी होगी के नारे लगाते हैं, उस समय इनकी चुप्पी कहां जाती है और उस समय इनका सेक्युलरिज्म और देशभक्ति कहां जाती है? तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करना चाहते हैं आज एकजुट जम्मू के माध्यम से, जम्मू के लोगों की तरफ से, कि जो इमीडिएट स्टेप्स लेने की जरूरत है वो निम्नलिखित हैं। पहला, आर्टिकल 35A और 370 जो टेररिज्म और सेसेशनिज्म के इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है, उसे प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से तत्काल प्रभाव से खत्म करें ताकि इस तरीके के लोग ताकतवर ना हो पाए जो लोग टेररिज्म और सेसेशनिज्म को इम्प्यूनिटी के साथ बढ़ाते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली या चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को इस्तेमाल करके भी उसे आगे बढ़ाते हैं। उमर अब्दुल्ला के समय पे वहाबी, जो मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम है जिसकी मजम्मत इस्लामिस्ट वर्ल्ड में भी होती है, हजारों मॉस्क्स बनी। उमर अब्दुल्ला वहाबी फ्रंटलाइन फ्लैंक है यहां पे जम्मू कश्मीर में वहाबी टेररिज्म के, उससे में उनकी सेक्युलरिज्म कहां गई? इन प्रोसेसेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। तीसरी चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करे, फॉर्मल रिकॉग्निशन हो कि कश्मीर वैली में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो एक जेनोसाइड था। आज तक फॉर्मल रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जेनोसाइड की नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप कश्मीरी हिंदुओं के उस, जिसे आप माइग्रेशन या एग्जॉडस कहते हैं, आप उसे जेनोसाइड कहोगे तो फिर यूनाइटेड नेशन की वो कन्वेंशन जिसके आप सिग्नेटरी हैं उसके हिसाब से आपके ऊपर कुछ जिम्मेवारियां आएंगी। अपनी जिम्मेवारी ले गर्व से कि जम्मू कश्मीर कोई मुस्लिम प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो सब माइनॉरिटीज हैं, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चियंस हो, उनका भी उतना ही जम्मू कश्मीर पे अधिक उमर अब्दुल्ला ने की है। क्या ये उमर अब्दुल्ला ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर में इन्हीं के ऊपर ये जिम्मेवारी कायम है और महबूबा मुफ्ती या मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज कश्मीर की, जो आज कम्युनलिज्म चिल्ला रही हैं, इन माइनॉरिटीज को उनके फंडामेंटल राइट्स देने की? ये क्या हो गया कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पिछले 7 दशकों से जो हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैन के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, क्रिश्चियंस के लिए 70 से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, उन्हें इलीगल तरीके से चोरी छुपे एक विशेष धर्म के लोगों को, जिनकी संख्या 60-65% के करीब है, मुस्लिम समुदाय को दे रही है,
और यहाँ पे ये माइनॉरिटी माइनॉरिटी चिल्ला के सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की दुहाई देते हैं। ये डिसीजन ले कि जम्मू कश्मीर में तत्काल प्रभाव से हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैन्स को, क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाएगा और सब आने वाली 60-70 स्कीम्स जिसका फायदा आज की डेट में मेजोरिटी मुस्लिम कम्युनिटी ले रही है उसे शिफ्ट करके एक्चुअल माइनॉरिटीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम ये डिमांड करते हैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि इमीडिएटली जो जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ एंटी नेशनल लोगों को एक सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की गई उसके फॉलोअप में जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उन्हें वापस लिया जाए। ये टॉलरेट नहीं करेगा जम्मू कि आप कर्फ्यू इम्पोज करें या एफआईआर का डर दिखाएं माइनॉरिटी कम्युनिटी को टू प्रोटेक्ट दोज जो पाकिस्तान और एंटी नेशनल ताकतों के कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेजिस्लेटिव असेंबली के जरिए भी आगे बढ़ाया। उमर अब्दुल्ला ये कहना चाहते हैं कि ये एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, तो क्या ये सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है इसलिए उनके साथ ये अगर इस तरीके का हो रहा है तो हमें अपने टू नेशन थ्योरी के फैसले पे पुनर्विचार करना पड़ेगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं वो, एक सेक्युलरिज्म का आर्ग्यूमेंट दे के एक प्योर कम्युनल आर्ग्यूमेंट को आगे ला रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला एक्सपोज होते हैं और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इनकी सिक्योरिटी जो सेपरेटिस्ट भाषा बोलते हैं वही उमर अब्दुल्ला भी आज की डेट में बोल रहे हैं। जो टेररिस्ट के प्लान्स हैं वही उमर अब्दुल्ला के भी प्लान्स हैं। इनकी सिक्योरिटी वापस लेनी चाहिए और अगर उमर अब्दुल्ला का आर्ग्यूमेंट ये है कि एंटी नेशनल ताकतों के खिलाफ जो कश्मीर बेस्ड और स्टेट्स में है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, तो बाय दैट सेम आर्ग्यूमेंट हिंदुस्तान एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री और फिर जम्मू कश्मीर हिंदुओं का बिलोंग करता है। अगर उनको यही आर्ग्यूमेंट लेना है, अगर उन्हें धार्मिक कार्ड ही प्ले करना है, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सहम बरतना चाहिए। जो स्टूडेंट्स बाहर राज्यों में पढ़ रहे हैं कश्मीर के, तो उनका कहना है कि उनको तंग किया जा रहा है वहां पर जो स्टूडेंट्स, वो सोशल मीडिया पर, एक चीज और भी है कि सोशल मीडिया पर वो लगातार देश विरोधी जो है